शांति एक बेहद गरीब बूढ़ी औरत थी। वो अपने पति धनीराम के साथ एक कुटिया में रहा करती थी। शांति का एक बेटा था रमेश, जो उन्हें अकेला छोड़कर विदेश में जा बसा था। दिवाली आने वाली थी। शांति और धनीराम बहुत मायूस थे, लेकिन उनकी मायूसी उस समय खुशियों में बदल गई जब दिवाली पर शांति के घर आई माँ लक्ष्मी। धनीराम बिस्तर पर लेटा हुआ था। सुबह हो चुकी थी। नित्य क्रिया के लिए वो शांति को आवाज लगा रहा था। शांति, शांति। शांति दौड़ कर आती है। उठ गए आप? चलिए आपको नहला धुला कर तैयार कर दूं। पहले ये बताओ कि तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? नहीं तो कहाँ है आंसू? झूठ मत बोलो शांति, मैंने तुम्हारी आंखों में वो आंसू देख लिए हैं जिन्हें तुमने बहने से रोक लिया। क्या आज भी कोई सब्जी चोरी करके ले गया? हाँ, सारी लौकी कोई चोरी करके ले गया। न जाने कौन है जिससे हमारी खुशियां देखी नहीं जाती। अब लक्ष्मी माता को भोग कैसे लगाएंगे? कोई बात नहीं शांति, लौकी ना सही, हम लक्ष्मी माता को लौकी की बेल अर्पित कर देंगे। धनीराम दोनों पैरों से अपाहिज था। वो सारा दिन बिस्तर पर ही रहता। शांति उसे नहलाती धुलाती और उसके सारे काम करती। नित्य क्रिया से निपटने के बाद दोनों पति पत्नी साथ मिलकर रोज माता लक्ष्मी की पूजा करते। माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए उनके पास मिठाइयां नहीं होती थी। शांति ने अपने घर के पीछे थोड़ी सी जमीन में कुछ हरी सब्जियां उगाई थी, जैसे कद्दू, लौकी, पपीता। वो रोज उन्हीं सब्जियों में कुछ सब्जी माता लक्ष्मी को प्रसाद के तौर पर अर्पित कर देती। फिर उन्हीं सब्जियों को पकाकर माता का प्रसाद मानकर दोनों खा लेते। बाकी बची सब्जियों को शांति एक टोकरी में रखकर अपने घर के बाहर बैठ जाती। आते जाते राहगीर उन हरी ताजी सब्जियों को खरीद लेते, जिससे शांति की थोड़ी बहुत कमाई हो जाती और दोनों के गुजारे लायक पैसे मिल जाते थे। लेकिन कई दिनों से कोई शांति की सब्जियां चुरा लेता था, जिस कारण वो ना तो माता लक्ष्मी को भोग लगा पा रही थी और ना ही सब्जियां बेच पा रही थी। कुछ कमाई भी नहीं हो रही थी। शांति गहरी सोच में पड़ गई। क्या सोचने लगी शांति? कुछ नहीं, चलिए तैयार हो जाइए, लक्ष्मी माता की पूजा का वक्त निकला जा रहा है। शांति धनीराम को बिस्तर से उठाती है और उसे नहलाकर तैयार करती है। फिर दोनों माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। भोग चढ़ाने के लिए सब्जियां न होने के कारण शांति ने लौकी की एक बेल माता लक्ष्मी को अर्पित कर दी और दोनों माता लक्ष्मी की आरती गाने लगे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी, तुम तो सबके भंडार भर देती हो, हमारे भंडार कब से सूने पड़े हैं, हम पर भी अपनी दया करो माता। धनीराम और शांति हमेशा से इतने गरीब नहीं थे। धनीराम एक किसान था। उसके पास खेती के लिए अच्छी खासी जमीन थी। धनीराम और शांति का एक बेटा था रमेश। रमेश को पढ़ाने के लिए धनीराम ने उसे शहर भेज दिया। एक दिन रमेश ने धनीराम को फोन किया। पिताजी, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है। विदेश जाकर पढ़ाई करूंगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छे पैसे भी मिलेंगे। उन पैसों से आपके और माँ के लिए गांव में एक बड़ी सी हवेली बनवा दूंगा, लेकिन अभी मुझे 10 लाख रुपयों की जरूरत है। अब इतने पैसे? बेटे, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। इतने में शांति धनीराम के हाथ से फोन ले लेती है और रमेश से कहती है, तू चिंता मत कर बेटा, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। शांति फोन रख देती है। शांति, तुमने रमेश से कह तो दिया, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हमारा खेत किस दिन आएगा? खेत बेच दो, एक ही तो बेटा है हमारा, उसे भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाए तो फिर क्या किया। शांति के कहने पर धनीराम ने गांव के मुखिया को अपना खेत बेच दिया और 10 लाख रुपए रमेश को भेज दिए। उन पैसों को लेकर रमेश विदेश चला गया और तब से आज तक रमेश का कुछ पता नहीं है। एक बार रमेश को ढूंढने के लिए धनीराम शहर जा रहा था। रास्ते में एक सड़क हादसे में उसने अपने दोनों पैर गंवा दिए। उसके बाद से धनीराम और शांति बेहद गरीबी में जीवन गुजर बसर कर रहे थे। पूजा खत्म होने के बाद, सुनो जी, आज खाने में क्या बनाऊं? कई दिन से सब्जियां चोरी हो जाने के कारण बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ कमाई भी नहीं हुई, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। शांति, तुम चिंता मत करो, मैंने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की है, वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। तब तक हम भूखे रहकर इंतजार करेंगे, आज नहीं तो कल माँ लक्ष्मी को हमारी विनती सुननी ही पड़ेगी। तभी किसी ने कुटिया के बाहर आवाज लगाई। शांति काकी, ओ शांति काकी,
शांति कुटिया के बाहर आती है। अरे धनिया, क्या बात है? शांति काकी, तुम्हारे आंगन में पपीते का पेड़ है ना? हाँ है तो सही। थोड़े पपीते के पत्ते दे दो, मुनिया के बाबू को डेंगू हो गया है। सुना है पपीते का पत्ता उबालकर पीने से डेंगू ठीक हो जाता है। रुक, अभी लाती हूँ। शांति पपीते के कुछ पत्ते तोड़कर लाती है और धनिया को दे देती है। ये लो शांति काकी, कुछ पैसे रख लो, सुबह सुबह किसी से खाली हाथ कुछ नहीं लेते। धनिया के जाने के बाद शांति ने देखा कि वो 50 रुपए थे। शांति ने खुशी खुशी बाजार जाकर कुछ खाने का सामान खरीदा और घर आकर खाना बनाया। फिर धनी राम और शांति ने मिलकर खाना खाया। देखा शांति, मैंने कहा था ना कि माता लक्ष्मी हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। हाँ, लेकिन दिवाली आने वाली है, इतने पैसों में हमारा क्या होगा? दिवाली पर घर की साज सज्जा बहुत जरूरी है, नहीं तो माता लक्ष्मी हमारे घर नहीं आएगी। उसका भी इंतजाम हो जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। दोनों पति पत्नी खाना खा ही रहे थे कि तभी कुटिया के बाहर एक और आवाज आई। शांति बाहर आई तो देखा कि गांव में रहने वाली कजरी भी पपीते का पत्ता मांगने आई थी। शांति काकी, जरा पपीते का पत्ता दे दो, मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है। गांव वाले बता रहे हैं कि गांव में डेंगू फैल गया है, अब हमारे पास इलाज कराने को पैसे कहाँ हैं? रुक, अभी लाती हूँ, दिवाली से पहले तेरा लल्ला एकदम ठीक हो जाएगा। शांति ने उसे भी पपीते का पत्ता ला कर दिया। उसके बाद कई लोग शांति से पपीते का पत्ता मांग कर ले गए, लेकिन किसी ने बदले में शांति को पैसे नहीं दिए। शांति ने भी खुशी खुशी गांव वालों की मदद की। उस दिन एक वक्त का खाना खाने के बाद धनीराम और शांति फिर से भूखे रहकर जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन एक पल भी माता लक्ष्मी का नाम उनकी जुबान से नहीं हटता। हे माता लक्ष्मी, कृपा करो, अपना आशीर्वाद बनाए रखना माता, तुम्हारी दया से जग में उजाला है, ये उजाला बनाए रखना माता। अगले दिन शांति जब सोकर उठी तो उसने अपने घर के पीछे जाकर देखा। उस दिन भी उसकी सब्जियां कोई ले गया था। आज रात भर जाग कर पहरा दूंगी और देखूंगी कि कौन मेरी सब्जियां ले जाता है। उस रात शांति जागती है और खिड़की की आड़ से छिपकर देखती है। आधी रात गुजर गई लेकिन कोई नहीं आया। अब शांति की आंख लगने वाली थी, लेकिन सुबह के 4 बजे थे कि अचानक घर के पीछे सब्जियों के पास एक उल्लू आकर बैठ गया और उसके पास से काफी तेज रोशनी चमक रही थी। शांति ने देखा कि उल्लू पर माता लक्ष्मी सवार थी। माता लक्ष्मी ने शांति की सारी सब्जियां तोड़ ली। तभी शांति लपक कर माता लक्ष्मी के सामने आ गई और उनके पैर पकड़ लिए। उठो शांति, उठो। नहीं माता, मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक आप मेरे घर नहीं चलती। शांति, मैं अभी तुम्हारे घर नहीं आ सकती, वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु मेरा इंतजार कर रहे हैं। वे ही रोज कहते हैं कि तुम्हारी भक्त रोज तुम्हें सब्जियों का भोग लगाती है, लेकिन मुझे कभी सब्जियां खाने को नहीं देती, इसलिए मैं उनके लिए तुम्हारी सब्जियां ले जाती थी और इनके पकवान बनाकर उन्हें खाने को देती थी, लेकिन आज तो मैं पकड़ी गई। माता लक्ष्मी, मैं धन्य हो गई कि आपने और भगवान विष्णु ने मेरी उगाई हुई सब्जियों का भोग किया, लेकिन माता आपको मेरे घर चलना ही पड़ेगा। शांति, आज बहुत देर हो गई है, मैं ज्यादा देर पृथ्वी लोक पर नहीं रुक सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि दिवाली के दिन तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। जब सुबह हुई तो शांति ने धनीराम को सारी बात बताई। 2 दिन के बाद दिवाली है शांति, घर की सफाई करके अच्छे से सजा देना। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। उस दिन से शांति घर की सफाई में जुट गई, उसने पूरे घर की सफाई की। 2 दिन के बाद दिवाली का त्योहार आ गया। शांति ने सब्जियों के बेल और पत्तों से अपना घर सजाया, घर के बाहर रंगोली भी बनाई, लेकिन घर रोशन करने के लिए उसके पास दीपक और तेल नहीं थे। हमारे पास तो दीपक जलाने के लिए पैसे नहीं है, अंधेरे घर में माँ लक्ष्मी कैसे आएंगी, वो तो दरवाजे से लौट जाएंगी। यही सोचकर शांति मायूस हो गई, लेकिन तभी उसे घर के दरवाजे पर एक मधुर आवाज सुनाई दी। शांति, शांति ने देखा तो उल्लू पर सवार माता लक्ष्मी वहाँ विराजमान थी। शांति और धनीराम दोनों माता लक्ष्मी के पैरों पर गिर गए। माता आप, मैंने तो सोचा था कि अंधियारा देखकर आप हमारे घर नहीं आएंगी। शांति, रोशनी तो मनुष्य के हृदय में होनी चाहिए, मैं उसी घर में जाती हूँ जहाँ सद्भाव, सदाचार और परोपकार निवास करता है, और तुम्हारे घर में ये तीनों हैं। तुम्हारे कारण गांव के वो सारे लोग जो बीमार थे ठीक हो गए हैं,
तुमने अपनी हैसियत के अनुसार जरूरतमंदों की मदद की है। तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों पर सदा बना रहेगा। माता लक्ष्मी दोनों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाते ही शांति की कुटिया एक महल में बदल गई। धनी राम के दोनों पैर ठीक हो गए और ढेर सारे धन दौलत से उनकी तिजोरी भर गई। उसी समय उनका बेटा रमेश भी विदेश से वापस आ गया। दोनों ने बेटे को गले से लगाया और धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया। नंदा मदन और रमा की इकलौती बेटी थी। उसे हर साल दिवाली का बेहद इंतजार रहता था, लेकिन वो कभी दिवाली का त्योहार नहीं मना पाती थी, क्योंकि मदन और रमा बहुत गरीब थे। नंदा हर साल माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करती कि वो अगले साल दिवाली का त्योहार मना पाए, और इस बार माता लक्ष्मी ने उसकी प्रार्थना सुन ली। नंदा स्कूल से आकर अपना बैग चारपाई पर रख देती है और रमा से कहती है, माँ कल दिवाली का त्योहार है। मैंने बाजार में देखा माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की सुंदर सुंदर मूर्तियां बिक रही थी। इस बार हम भी अपने घर में दिवाली पूजन करेंगे ना? हाँ नंदा बिटिया, माता लक्ष्मी ने चाहा तो हम भी दिवाली पूजन करेंगे। तेरे बाबा को कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अब तू खाना खा ले। रमा ने नंदा को दो प्याज के टुकड़े एक रोटी नमक के साथ खाने के लिए दिया। माँ तुमने आज भी सब्जी नहीं बनाई। नंदा बेटी, आज घर की साफ सफाई में सारा वक्त निकल गया, इसलिए सब्जी नहीं बना पाई। कोई बात नहीं माँ, कल दिवाली है, कल तो पूरी पकवान बनाओगी ना? माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग लगाएंगे। खाना खाकर नंदा घर के बाहर चली जाती है। वो घर के बाहर खड़ी थी और बच्चों को पटाखे चलाते हुए देख रही थी। कल दिवाली का त्योहार है, लेकिन बच्चों ने पहले से ही पटाखे चलाना शुरू कर दिया था। कोई रंग बिरंगी फुलझड़ियां छोड़ रहा था तो कोई अनार। नंदा पटाखों को देखकर बहुत खुश हो रही। जैसे कोई पटाखा फूटता तो नंदा खुशी से हंसती और ताली बजाने लगती। नंदा को देखकर रमा ने मदन से कहा, नंदा के बाबा, हमारी नंदा हर साल दिवाली पर दूसरे बच्चों को पटाखे चलाते हुए देखती है, लेकिन वो कभी हमसे कुछ नहीं मांगती। क्या हम इस बार भी दिवाली पर नंदा को पटाखे, नए कपड़े और मिठाइयां नहीं दिला पाएंगे? चाहता तो मैं भी यही हूँ रमा, की हमारी नंदा खूब पटाखे जलाए और दूसरे बच्चों की तरह दिवाली पर खुशियां मनाए। लेकिन तुम तो जानती हो आजकल बाजार में काम की कितनी कमी हो गई है। मुझे दो दिन से कोई काम नहीं मिल रहा है। काम की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। आजकल लोग पैसे बचाने के लिए अपने अपने घरों की सफाई खुद ही कर लेते हैं। मदन एक गरीब मजदूर था। कहीं कुछ मजदूरी का काम मिल जाता तो दो चार पैसे कमा लेता था, नहीं तो पूरा परिवार माता लक्ष्मी का नाम लेकर सो जाता। कल तो दिवाली है, कल तो कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। कल हमारी नंदा के लिए पटाखे जरूर ले आना। तभी नंदा घर के अंदर आती है और अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी मुझे पटाखे नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि इस दिवाली हमारे घर पर भी माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा हो। बेटी, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने के लिए हमें काफी पैसे चाहिए। पूजा में दीपक जलाने के लिए देसी घी, प्रसाद चढ़ाने के लिए मिठाइयाँ और कुछ सामान चाहिए। मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि देसी घी के दिए जलाऊं और मिठाई खरीदूं। बिना इन सबके माता लक्ष्मी की कैसी पूजा? पिताजी, माता लक्ष्मी को देसी घी के दिए और मिठाइयाँ नहीं चाहिए। माता लक्ष्मी तो वहीं जाती हैं जहाँ नेक कर्म करने वाले और अच्छे विचारों वाले लोग रहते हैं। हम देसी घी के दीपक जलाए बिना भी माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। आप जिन पैसों से मेरे लिए पटाखे लाएंगे, उन पैसों से पटाखे ना लाकर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति ले आना। ठीक है नंदा बेटी। मदन और रमा को इस बात की बेहद खुशी थी कि नंदा बहुत समझदार है। दूसरे बच्चों की तरह वो नए कपड़ों और पटाखों की जिद नहीं करती थी। उस दिन मदन काम की तलाश में बाहर निकला। वो काफी देर तक यहाँ वहाँ भटकता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। लगता है आज भी खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। नंदा ने कहा था माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति लेकर आना, लेकिन वो भी नहीं ले जा पाऊंगा। ए भगवान, क्या हम गरीबों को दिवाली मनाने का अधिकार नहीं है? मदन उदास मन से घर लौटने ही वाला था कि उसे एक सेठ ने आवाज दी। अरे मदन,
अरे रुक तो जरा, कहाँ जा रहा है? मदन सेठ के घर पर दिवाली से पहले साफ सफाई का काम किया करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। इस बार सेठ ने भी उसे काम के लिए नहीं बुलाया था, लेकिन जब सेठ ने मदन को आवाज देकर बुलाया तो मदन की कुछ उम्मीद जगी कि शायद सेठ जी हवेली की सफाई करने के लिए कहेंगे और कुछ पैसों की कमाई हो जाएगी। सेठ की हवेली बहुत बड़ी थी, उसकी सफाई करने के लिए मदन को अच्छे पैसे मिल जाते थे। मदन की आंखें खुशी से चमक उठी। जी सेठ जी, हवेली की सफाई करनी है क्या? नहीं नहीं, मैंने अपनी हवेली बेच दी है। मैंने शहर में नया घर ले लिया है, हम वहीं जा रहे हैं। हवेली में ताला लगा दिया है, दिवाली के बाद कोई और इस हवेली में रहने आएगा। तू एक काम कर, हवेली के बाहर कुछ कबाड़ रखा है उसे फेंक देना, और दिवाली के दिन हवेली के सामने दीपक जला देना, ठीक है? जी जी सेठ जी। मदन मायूस हो गया, उसकी जो उम्मीद जागी थी वो भी जाती रही। सेठ सेठानी के साथ गाड़ी में बैठकर शहर की ओर चले गए। मदन हवेली के पास गया तो बाहर कुछ टूटी फूटी कुर्सियां, टेबल और कुछ सामान रखे हुए थे। उन्हें देखकर मदन सोचने लगा, इस कबाड़ को बेचने से अच्छा है क्यों ना इसे अपने घर ले चलूं। घर में बैठने के लिए कुर्सी हो जाएगी और एक टेबल हो जाएगा। नंदा इसी टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई कर लेगी। हाँ यह ठीक रहेगा, जरा सा इनका पाया ही तो टूटा है, मैं इन्हें ठीक कर लूंगा। मदन एक एक करके सारा कबाड़ अपने घर ले आता है। ये कबाड़ कहाँ से लाए हो? अरे ये कबाड़ नहीं है, टेबल कुर्सी है, थोड़ी टूटी हुई तो है। सेठ जी ने दिया था, कहा था इसे फेंक देना, लेकिन मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। नंदा की पढ़ाई के काम आ जाएगा, और सेठ जी ने कहा है कि दिवाली के दिन हवेली पर दीपक जला देना। सेठ सेठानी हवेली बेचकर शहर चले गए हैं। सेठ जी ने कुछ काम तो करवाए नहीं, आमदनी हुई नहीं, दिवाली पर दो पैसे भी नहीं दिए। हमारे पास अपने घर को रोशन करने के लिए पैसे नहीं है, हम सेठ जी की हवेली पर दीपक कैसे जलाएंगे? रमा, अगर माता लक्ष्मी को यही मंजूर है तो यही सही। कल दिवाली का दिन है भाई, कल सुबह काम की तलाश में जाऊंगा, कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। तुम फिक्र मत करो, एक हथौड़ा लाकर मुझे दे दो। रमा उसे घर के अंदर से हथौड़ी लाकर देती है। मदन टूटे हुए टेबल कुर्सी में कीले ठोक कर उन्हें ठीक कर देता है और घर के अंदर लाकर रख देता है। नंदा बिटिया, आज से तू इसी कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़ाई करना, अच्छा? ठीक है बाबा, लेकिन इन पर कितनी धूल जमी हुई है, मैं इन्हें साफ कर देती हूँ। नंदा एक गीले कपड़े से टेबल और कुर्सी को साफ करने लगती है। तभी नंदा देखती है कि टेबल में एक छोटा सा दराज है। नंदा उस दराज को खोलती है तो वो देखती रह जाती है। वो खुशी के मारे आवाज लगाकर मदन और रमा को वहां बुलाती है। माँ बाबा जल्दी यहाँ आइए। रमा और मदन दौड़े दौड़े नंदा के पास आए। क्या बात है नंदा बिटिया, सब ठीक तो है ना? बाबा इस टेबल की दराज में देखो, ये क्या है? मदन और रमा भी दराज को देखकर हैरान रह जाते हैं। दराज में सोने की अशर्फियां रखी हुई थी। सोने की अशर्फियां, हम पर माँ लक्ष्मी की कृपा हुई है। नहीं रमा, ये अशर्फियां सेठ जी की अमानत है, मैं उन्हें वापस करके आता हूँ। लेकिन सेठ जी तो शहर चले गए हैं, तुम उन्हें कहाँ ढूंढोगे? अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी जाकर देखता हूँ, यहीं कहीं मिल जाएंगे। मदन एक पोटली में सोने की अशर्फियां लेकर भागा भागा शहर की ओर जाने वाली सड़क पर जाता है। वो काफी दूर तक चलता है और सेठ जी को ढूंढता है, लेकिन सेठ जी तो काफी दूर निकल चुके थे। मदन को सेठ जी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। थक हार कर मदन घर वापस आ जाता है। क्या हुआ, सेठ जी नहीं मिले? नहीं रमा, लगता है सेठ जी शहर पहुँच गए हैं, अब वो कभी गांव लौट कर भी नहीं आएंगे, मैं उन्हें शहर में कहाँ ढूंढूंगा। तुम्हें शहर जाने की क्या जरूरत है, ये अशर्फियां हमें मिली है इसलिए हमारी है, सेठ जी की होती तो सेठ जी को मिलती। नहीं रमा ये गलत है, ये अशर्फियां सेठ जी की ही है, वो टेबल में उनके घर से ही लाया था ना। लेकिन उन्होंने तो उसे कबाड़ समझकर घर से बाहर निकाल दिया था। बाबा मैंने कहा था कि इस दिवाली लक्ष्मी माता खुद चलकर हमारे घर आएंगी, सो आ गई इन अशर्फियों के रूप में। रमा और नंदा के समझाने पर भी मदन का दिल मानने को तैयार नहीं था, वो किसी भी तरह वो अशर्फियां सेठ जी को वापस करना चाहता था। नहीं, मैं अभी शहर जाऊंगा और सेठ जी को ढूंढकर ये अशर्फियां उन्हें दूंगा,
मदन घर से निकलने ही वाला था कि तभी वहाँ तेज रोशनी के साथ माता लक्ष्मी प्रकट हुई और मदन से बोली, रुको मदन। माता लक्ष्मी, मुझ गरीब के घर में, प्रणाम माता, प्रणाम। माता लक्ष्मी को देखकर सबने उन्हें प्रणाम किया। मदन, ये सोने की अशर्फियाँ सेठ की नहीं है, इन्हें मैंने तुम्हारे लिए रखा था। इन अशर्फियों पर तुम्हारा अधिकार है, इनकी मदद से अपनी और अपने परिवार की दिवाली धूमधाम से मनाओ और अपना कोई काम शुरू करो, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सोने की अशर्फियाँ पाकर मदन बहुत खुश था। वो उसी समय बाजार गया और एक अशर्फी बेचकर नंदा के लिए पटाखे, मिठाइयाँ, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति, पूजा का सामान और सबके लिए नए कपड़े लेकर आया। इस बार मदन के घर में भी घी के दीपक जलाए गए। मदन ने सेठ की हवेली पर भी घी के दीपक जलाए। नंदा ने खूब पटाखे फोड़े और नए कपड़े पहनकर घरौंदा सजाया। माता लक्ष्मी की कृपा से मदन और उसके परिवार की दिवाली खूब अच्छे से मनी।